वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करेंगे कि इग्नू में जो परसेंटेज होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि जो भी आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं उसका फाइनल मार्क्स में 30% का वेटेज होता है, और TE के जितने भी आपके मार्क्स आए उसमें से 70% जो है वो उसका फाइनल में वेटेज होता है, यानी कि 30% असाइनमेंट का और 70% TEE एग्ज़ाम का। दूसरी चीज़ कि जब भी आप अपने जो भी आपका कोर्स है उसके लिए अपना परसेंटेज कैलकुलेट करें तो अपने ग्रेड कार्ड के अकॉर्डिंग करें। जो भी आपका ग्रेड कार्ड इग्नू में अपडेट करके दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करें। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल प्रिपेयर किया है जो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर कोर्स कोड आपको दिखाई दे रहा है, असाइनमेंट मार्क्स, टी मार्क्स, 30% ऑफ असाइनमेंट, 70% ऑफ मार्क्स TE के यहाँ पर, और फिर है ये टोटल। और किस तरीके से निकालना है इसकी पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। असाइनमेंट के अंदर जो पासिंग मार्क्स होता है वो 35 मार्क्स का होता है, और TE एग्ज़ाम के अंदर जो पासिंग मार्क्स होता है वो 33% का होता है। फिर चाहे वो आपका एग्ज़ाम 25 मार्क्स का हो, चाहे 50 मार्क्स का हो, चाहे खुद 100 मार्क्स का क्यों ना हो। और एक और चीज़ कि जब ग्रेड कार्ड में ये आपके मार्क्सेस लगाए जाते हैं तो 100 में से लगाए जाते हैं, यानी कि जितना भी 25 मार्क्स का अगर आपका कोई पेपर है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो 50 मार्क्स का है उसे 2 से, और जो 100 का है वो एज इट इज़ 100 के तौर पे ही ग्रेड कार्ड में दिखाया जाता है। तो ये जो आप हमारे पास सैम्पल है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप सैंपल देख पा रहे हैं इसके अंदर FST के मार्क्स लगे हुए हैं जो असाइनमेंट में 52 है, और TEE के अंदर 87 है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इन मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि 30% असाइनमेंट के लिए लेना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे 52/100×30, क्योंकि मार्क्स कितने आए थे असाइनमेंट के अंदर 52, तो 52/100×30, तो आपका जो कैलकुलेट करके मार्क्स आता है वो हो जाता है 15.6। इसके बाद TE के लिए 70% कैलकुलेट करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है 87/100×70=60.9, और इन दोनों का सम करने पर हमें यहाँ पर मार्क्स जो मिलता है वो हो जाता है 76.5। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है हमने सम कर लिया है और यहाँ पर आपको मिलता है 76.5। इसी तरीके से आप CHE 1 का भी निकालेंगे और CHE 2 का निकालेंगे, BPHE 06, ये थर्मोडाइनेमिक्स है, इसके लिए भी निकालेंगे। और जब आप इस तरीके से 30% असाइनमेंट का और 70% TE के मार्क्स को निकाल लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप सबसे पहले ये फॉर्मेट चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है ये चीज़, मैंने क्या किया यहाँ पर सभी के 30% असाइनमेंट्स के और 70% TE के मार्क्स यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। उनके टोटल मार्क्स भी मैंने यहाँ पर निकाल करके आपको बता दिया कि ये TE के जो है ये टोटल मार्क्स हो रहे हैं, ये असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ पर हम दो मेथड्स देखेंगे असाइनमेंट के मार्क्स ये परसेंटेज निकालने के ग्रेड कार्ड के अकॉर्डिंग। तो 30% हमने यहाँ पर सबका ले लिया है, और 30% का जो हमारे पास सम आया है वो आया है 88.5 असाइनमेंट के लिए, और जो TE है उसके लिए जो हमारा टोटल आया है इन सब का टोटल करने पर वो आया है 223.3। और जब हम और इन सब का हमने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से टोटल करके दिखाया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और चाहे तो यहाँ से कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बताते हैं किस तरीके से। आप पहले ये समझ लीजिए कि 15.6+60.9 76.5 हो रहा है। इस तरीके से 23.4 61.6, सम है 85, और इस तरीके से हमने बाकियों के सम कर लिए, टोटल मार्क्स ये आया। ये कितने सब्जेक्ट्स में से है, ये है 400 के अंदर से, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है,
यानी कि 400। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। टोटल सम कितना है? टोटल सम आ रहा है 311.8, और हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की और ये हो गया 312 बाय में 400 इंटू 100, और टोटल जो मार्क्स निकल के आया परसेंटेज में वो आ गया 78%। और जो ये तो पहला मेथड हो गया किस तरीके से आपको निकालना है, जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ 30% ऑफ असाइनमेंट एंड 70% ऑफ टी अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100। अब चाहे आपके पास कितने भी कोर्सेज हो, चार हो पांच हो, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में 4 लिए थे तो इसीलिए हमने 400 से किया। अगर आपने 5 लिया है तो आप 500 से करेंगे, 6 लिया है तो 600 से करेंगे, इस तरीके से करेंगे आप। अच्छा, जो अब मैं मेथड की बात कर रही थी, सेकेंड मेथड की, वो ज़्यादा ईजी है, वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो असाइनमेंट के आपके मार्क्स हैं, यहाँ से पेन ले लेते हैं सबसे पहले, ये जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं इनका टोटल कितना आया, 295। तो आप 295 का 30% निकाल लीजिए और उसको लिख लीजिए। इसके बाद में टी मार्क्स के अंदर कितना टोटल आया है, 319। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, 319 का 70% निकाल लीजिए, असाइनमेंट का 30% और टी के मार्क्स का 70%। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल कितना परसेंटेज बन रहा है टी एग्जाम। और आप ये सेमेस्टर वाइज निकालिए या फिर पूरे, जब अब आपके 3 साल जब कंप्लीट हो जाए तो आप 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी निकालिए। इसी तरीके से ये मार्क्स को निकाला जाता है, जो भी हमारे परसेंटेज होते हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हम आपने ये जाना कि किस तरीके से आप ग्रेड कार्ड के अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आप हमारे चैनल पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे FST के बहुत सारे MCQ के सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उन सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसी हम आपको गारंटी देते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।